अभी लगभग जो है 2.5 घंटे हुए हैं, कई जगह जो है 2 या 3 राउंड हुए हैं, कई जगह 4 राउंड हुए हैं और 4 राज्यों में चुनाव है। तो तकरीबन देखा जाता है कि 20 राउंड जो है होना होता है, 20-22 राउंड हर जगह उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी जो स्थिति जो सामने है, 2 राज्यों में देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं कि भाजपा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश में बढ़त है और तेलंगाना में जो है वहाँ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी नेक टू नेक है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी कहना जो है काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दबाजी होगा कुछ इस पे कहना। उनको लगता है कि एक बार जब तक 1 बजे तक जो है पिक्चर जो है और थोड़ा साफ हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सीटें होती हैं जहाँ 50 वोट 10 वोट का भी अंतर होता है, 100 वोटों का भी अंतर होता है, तो उसमें आगे चीज़ें बदलती रहती हैं। आप लोग तो सब लोग देखे होंगे 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ, लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से 50 वोट से 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है कभी भी अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी, तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नज़र आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, पटाखे मंगवाए जा रहे हैं अलग अलग दफ्तरों में, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लगता है कि जीत की जश्न की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। पहले उसमें तो सब लोग लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं केवल भाजपा के लोग लगे हैं, तेलंगाना में कुछ और पार्टियाँ जो है कांग्रेस पार्टी लगी होगी, तो लोगों का अपना है, कार्यकर्ता जो है स्वाभाविक रूप से जो है उत्साह में रहते हैं। और लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी है, कोई बीजेपी को आप पता ही है ना कि 2015 में पहले पटाखा फोड़ लिया था सर, रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो अभी कहना जल्दबाजी लगता है। बीजेपी नहीं, अभी 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 पहले कर चुकी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं, सब लोगों ने देखा है। अभी क्या होता है उस पर हम लोगों को थोड़ा लगता है, जिस तरह से परिणाम आएंगे उसके बाद तोड़ मरोड़ की राजनीति भी शुरू होगी, इधर उधर विधायकों को खरीदने, इधर भागा दौड़ी जैसी स्थितियाँ भी होंगी। कोई नई बात तो है नहीं, भाजपा ने पहले भी करके दिखाया। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी ने कहा